तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की टॉपिक हमारे पास है कॉमन नाम और प्रॉपर नाउन, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखना है नहीं लिखा। तो क्या आपको पता है कि हम इतने दिनों से मतलब वीडियो अपलोड नहीं किए हैं और बहुत सारे दिन हो गए हैं, और आप लोग इंतज़ार कर रहे हो वीडियो अपलोड हो। और अभी जो है मैं वीडियो बना रही हूँ कॉमन नाउन्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो सारी स्टडीज़ हैं और ब्लॉग क्राफ्टिंग की अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको देखने में आसानी हो। और आप लोग अगर ब्लॉग देखेंगे तो ब्लॉग देखिएगा, और शॉर्ट्स भी अलग, उनके भी प्लेलिस्ट अलग से बनाऊंगी, और वो देखने तो वो देखिएगा। और बाकी आपकी जो मर्ज़ी है, आप जो देखें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। और चलिए अब कॉमन नाम, अब कॉमन नाउन की मैं आपको छोटी वाली डेफिनेशन बता रही हूँ, ताकि आपको समझ में भी आसानी हो, लिखने भी आसानी लगे, और किसी को समझा रहे हो आप लोग उसको भी आपको समझाने में आसानी लगे। तो बहुत छोटी सी और आसान सी मैं आप लोगों के सामने ला रही हूँ। तो वो वाली जो कॉपी थी, आज मेरे पास ये रफ़ कॉपी है, तो मैं उसमें लिखती हूँ, बिकॉज ये मेरी रफ़ कॉपी है जो हम स्टडी करेंगे। और ये मतलब कि ऐसी रफ़ कॉपी नहीं मेरे पास, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉपी है, अगर हमें सारा लिख कर फिर से हमें अच्छी जगह पे रख देना है, ताकि हमें आगे जाके इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है, आपको आगे बड़े होते हो आपको ये बेसिक चीज़ आती है, तो आप आगे की इंग्लिश सीख सकते हो, आपको ईजी लगेगी, ठीक है। तो मैं फ्लैशमैन हो गई बिकॉज के चार्जिंग लो हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन हम बिना चार्जिंग के भी कर लेंगे, सॉरी फ्लैश के आपको मतलब दिख रहा है। तो जो मेरी कॉपी थी ना असल में वो दूसरी वाली, तो वो मैं मेरे पास अभी मैं मतलब से ढूंढा वो मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने अभी ये वाली कॉपी ले ली है। ये इंग्लिश की है, नॉवल की, लेकिन वो अगर आपके पास जो कॉपी हो आप यूज़ कर सकते हो, मेरे पास अभी ये कॉपी है तो मैं इसको यूज़ करूँगी। और लगते हैं इसके बारे में, व्हाट इज़ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन का जो हम फर्स्ट लेटर होते हैं, आप लोग ब्लैक पेन से लिख लें, आपके पास पेंसिल और डार्क करके लिख लें, सही है ना। ओके, तो सबसे पहले आएगा हमारा यहाँ पे अ कॉमन नाउन, ठीक है। तो हम लिखते हैं अ कॉमन कॉमन नाउन इज अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड, कॉमा लगा दी, ठीक है। हमने लिखा है कॉमन नाउन इज अ वर्ड, कॉमा लगा लेनी है वर्ड के बाद। अब यहाँ पे लिखना है सर डब्ल्यू भी बड़ा करके लिखेगा, विच एनिमल, सॉरी सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर विच पर्सन, जो पर्सन का मैं मतलब आपको बाद में बता दूँ, विच पर्सन प्लेस कॉमा एंड थिंग, और आपको एनिमल जो है वो बाद में लिखना है, लाइक ऐसे पर्सन प्लेस थिंग एंड लगाकर फिर एनिमल, उसके बाद आपको लिखना है विच पर्सन प्लेस थिंग एंड एनिमल आर पर्सन प्लेस थिंग पर्सन प्लेस एंड एनिमल आर कॉमन इन होल वर्ल्ड, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे डॉट लगाना है, उसके बाद पहले हम इसकी एग्जाम्पल्स लिख लें, उसके बाद में आपको इसकी मीनिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे
पेटसन इसके बाद आपको कुछ इस टाइप से कर देंगे प्लेस पर्सन प्लेस एनिमल ठीक है। इसके बाद लास्ट पे आप लिखेंगे ठीक, वो आपकी मर्जी है, आप आगे पीछे वो कर लेना जो आपको, बस ऊपर वाला है ना ये वाला एन एनिमल वाला वो आपको ठीक से लिखना है, एन एनिमल पर्सन प्लेस थिंक एंड एन एनिमल लिखना है तो सही होगा ठीक है ना। और उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं थिंक, थोड़ी मैंने स्पेस लगा दिया गलती से ज़्यादा। अब आप बोलोगे थिंक में क्या होगा, एनिमल्स में क्या होगा, तो कॉमन क्या होता है, कॉमन होता क्या है। अब आप बोलोगे इसकी मीनिंग तो बताया ही नहीं आपने, तो मीनिंग में आपको भी सेम, अ कॉमन नाउन इज़ अ वर्ड, कॉमन नाउन एक अल्फाज है, विच पर्सन प्लेस थिंग एंड एन एनिमल आर कॉमन इन होल वर्ल्ड, जो इंसान या बंदा बंदी बंदा जगह चीज़ और जानवर आम हो दुनिया में। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ मतलब दुनिया में आम हो उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। लेकिन आपको मैंने बताया था नाउन क्या होता है, वो कॉमन नाउन ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ अलग ही लिख लो अपने हिसाब से और फिर वो चीज़ अच्छी ना लगे। ये कॉमन नाउन है, कॉमन तो एक वर्ड, कॉमन तो एक आम हो गया ना, अगर इसकी अगर हम इसके आगे नाउन लगा रहे हैं तो आपको आम भी चीज़ लगानी है और ऐसी चीज़ आम लगानी है जो नाउन हो ठीक है, ऐसी आम चीज़ लगाओ जो नाउन भी हो और आम भी हो, तो इसलिए हम इसको ज्वाइंट करके हम बोलते हैं कॉमन नाउन। ऐसी चीज़ जो आम भी हो और नाउन भी हो तो उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी, उसका मतलब तो समझ गए, एग्जांपल्स हम कहाँ से रहे, हमें कुछ और समझाओ, हम एक्सप्लेन करें आप कि हमें और समझाएं ठीक है। तो इसी एक्सप्लेनेशन में आपको बता दें कि अब पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग में क्या क्या आएगा, तो पर्सन एनिमल और थिंग में मैं आपको यहाँ पर लिखती हूँ और दिखाती हूँ ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जैसा कि पर्सन पे आ गया गर्ल बॉय एंड चाइल्ड ठीक है, ये गर्ल्स भी हो सकता है बॉयज़ भी हो सकता है, और ये तो आपको पता ही है, एल्स नहीं आता तो हम यहाँ पे लिखते हैं चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन आता है ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि ये ग्लास है उस लड़की को दो, गर्ल का मतलब क्या है लड़की ठीक है, उस लड़की को दो, तो आपको पता कैसे पड़ेगा कौन सी लड़की बोल रहे हो, समझो यहाँ पे बहुत सारी लड़की हैं ठीक है, जैसे आपको अभी अभी नज़र आ रहा है ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा फोटो, तो इसमें बहुत सारी लड़कियाँ हैं। मैं एक मिसाल दे रही हूँ आपको कि मैं कह रही हूँ इसमें से लड़की को ये ग्लास देकर आओ, अब आप बोलोगे कौन सी मैं लड़की को ग्लास देकर, लड़की तो बहुत सारी हैं, तो वो समझ में थोड़ी ना आएगा, तो कॉमन हो गई लड़कियाँ क्या हो गई कॉमन, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ हैं दुनिया में। अगर मैं इसको से नाम से पुकारूंगी तो आपको पता पड़ेगा ना, वरना मैं बोलूँगी उस लड़की को दो, आप बोलोगे इतनी सारी लड़की है कौन सी लड़की को दो, उधर लड़का बच्चे को, बच्चे को दो, कौन से बच्चे, बहुत सारे बच्चे, बच्चा लड़की लड़का लड़के लड़कियाँ होता है ना, तो मतलब बहुत सारा हो जाएगा फिर ये, मतलब जो चीज़ दुनिया में आम हुई, लड़कियाँ आम है, लड़के आम है, बच्चे आम है, बूढ़े हो गए और औरत मर्द और बाकी बहुत सारी चीज़ें गई, वुमेन मैन गर्ल बॉय चाइल्ड, तो मतलब ये कॉमन है ठीक है, गर्ल कॉमन है बॉय कॉमन है, ये सब कॉमन चीज़ें। अब हम टॉपिक पे बात करते हैं अपनी चीज़ पे, जो प्लेस, अब प्लेस में आ जाती है सिटी, अब तो सिटी है तो आपको कैसे पता पड़ेगा, मैं बोल रही हूँ आई एम गो टू सिटी, मैं शहर जा रही हूँ, और मैं कौन से शहर जा रही हूँ, मैंने नाम थोड़ी नहीं लिया मैं इस शहर जा रही हूँ या उस शहर जा रही हूँ, मैंने बोला मैं शहर जा रही हूँ, अब कौन से शहर जा रही हो तो हमें कैसे पता पड़ेगा,
तो जब ये जो जो शहर है वो भी एक कॉमन चीज़ हो गई। अब बात आती है मॉल पर। अब मॉल भी कॉमन चीज़ है, मुख्य दुनिया में कितने मॉल हैं, जैसे कि डॉलमेंट मॉल, लकी मॉल, इम्तियाज मॉल, बहुत सारे मॉल्स हैं। देख सकते हो, मैं तो अभी पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, बाकी तो बहुत सारे मॉल्स हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, और पूरी दुनिया में कितने सारे मॉल्स हैं, बांग्लादेश, तुर्की, जापान, दुबई और बहुत सारी जो मतलब जगह पे बहुत सारे मॉल्स हैं। अब मैंने कहा मैं मॉल जा रही हूँ, अब आप बोलोगे ना तुम कौन से मॉल जा रही हो, तो मैं कह रही हूँ बस मैं मॉल जा रही हूँ। उसे थोड़े मॉल जो है वो कॉमन हो गया, क्योंकि मैं मतलब मॉल दुनिया में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब वही बात आती है हमारी कंट्री भी, अब कंट्री तो वो भी सेम चीज़ है, वो भी एक ही चीज़ है, वो भी कॉमन है। अब कॉमन चीज़ कॉमन ही होती है, ठीक है, जो आम होती है दुनिया में, जैसे कि मैंने कहा है ना होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में वो आम है। अ कॉमन आम वर्ड विच पर्सन प्लेस एनिमल थिंग्स आर कॉमन इन होल वर्ल्ड, ये कोई बड़ी नहीं है, ठीक है। कुछ बड़ी एग्जांपल्स जो मैं नहीं दिए, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी व्हाट इज प्रोनाउन, अब सॉरी प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन सॉरी प्रॉपर नाउन। अब भाई अब बात आती है हमारे थिंग पर, थिंग पे पेंसिल है, अब बोलो कि पेंसिल कैसे कॉमन है, अब ये भी हमारी अलग सी बात है। अब पेंसिल क्यों नहीं कॉमन है, डॉलर की पेंसिल होती है, शार्क की होती है, और बाकी बहुत सारी कंपनीज हैं उनकी पेंसिल्स होती हैं। अब टेबल है, अगर टेबल कैसे बताओ, टेबल को टेबल कैसे है, तो टेबल ऐसे है कि कांच की टेबल जो हो गई, लकड़ी की टेबल है, या फिर किसी किसी के पास तो लोहे की टेबल्स होती हैं, तो आपको कैसे पता पड़ेगा। तो ये तो मेरे का टेबल है, आप बोलोगे कौन सी टेबल है, अब टेबल भी आम हो गया कि दुनिया में टेबल भी बहुत सारी होती हैं, तो ये भी एक आम चीज़ है, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है शू, शू मतलब कि जूता, यहाँ पे एस भी लगा तो शूज़ हो जाएगा, मैंने शू लिखा है। ओ, एक चीज़ तो हम भूल ही गए आपको बताना, वो है हमारा एनिमल। अब एनिमल में भी हमारी ये डॉग, कैट एंड बर्ड। डॉग कितने कुत्ते होते हैं दुनिया में, बहुत सारे। अब मैंने बोल दिया आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कौन सा कुत्ता है, कुत्ता तो है कौन सा है। और मैं बोलूँ मेरे पास कैट, मेरे पास बिल्ली है, कौन सी बिल्ली है, मेरे पास आई हैव अ बर्ड इन माई होम, मेरे पास एक परिंदा है, तो परिंदा भी तो मुझे नहीं पता पड़ेगा ना कि कौन सा परिंदा है। बस परिंदा तो परिंदे तो बहुत होते हैं, कबूतर हो गया, कौवा हो गया, कबूतर को इंग्लिश में कहते हैं पिजन, कौवे को कहते हैं क्रो, इसकी भी अलग से वीडियो बनाऊंगी, बर्ड्स सारे के जो भी बर्ड्स मतलब पता है वो मैं सारे एक पेज पे लिखूंगी और वो भी जल लाऊंगी। उसके बाद आती है थिंग पर, पेंसिल, टेबल, शू। अब ये बात तो हो गई, पेंसिल मैंने बताई, टेबल बताई, शू भी बताई, शू नहीं बताई है ना, शू बताती हूँ। अच्छा, तो शू होती है जैसे कि हम कह रहे हैं आई हैव अ ब्यूटीफुल शू, शूज़ भी कह सकते हैं, आई हैव अ ब्यूटीफुल शूज़ पेयर, मेरे पास जूतों की जोड़ी है। अब कौन से जूते हैं तुम्हारे पास, किसके हैं, बाटा के हैं, एडिडास के हैं, जिसके अलावा कहाँ से तुमने जूते लिए, तो आपको कैसे पता। तो शूज़ भी एक कॉमन चीज़ होगी, जो चीज़ आपको कॉमन होती है तो वो कॉमन ही होती है, आम होती है। और उसके बाद जो आम चीज़ भी होती है वो आम होती है दुनिया में, ठीक है। आम चीज़ लाइक ऐसे हो गया पर्सन प्लेस थी, मैंने देखो और एक्सप्लेन भी किया है आपको, तो ये आपको जो होती है बातें समझने की होती है। अगर आपके पास चीज़ समझ में आएगी तो हम अपना बेसिक समझ सकते हैं और हम अपने स्टडी में आगे बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई, तो कॉम प्रॉपर नाउन मैं लाती हूँ पार्ट टू, सो वो भी जल्दी आएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।